नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का फतेहाबाद दौरा। चौटाला ने वर्करों को मेहनत करने की दी नसीहत। उन्होंने कहा, चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। इनेलो की सरकार आएगी, युवाओं को मिलेगी नौकरी, बुजुर्गों को 3,000 रुपये महीना मिलेगी पेंशन। कांग्रेस को घेरा, कहा योजनाबद्ध तरीके से मुझे भिजवाया जेल। जो पार्टी छोड़कर चले गए उन्हें पार्टी में नहीं किया जाएगा शामिल। जींद उपचुनाव की हार, टूटते बनते गठबंधन का असर ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे पर साफ देखने को मिला। और अपने तेज तरार और तल्ख भाषणों के लिए पहचाने जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला का भाषण सामान्य नजर आया। पूरे भाषण के दौरान उन्होंने जहां एक ओर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, वहीं कहीं भी दुष्यंत दिग्विजय JGP का जिक्र तक नहीं किया। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। आप कोशिश की लास्ट टाइम तक निभाने की, बट उन्होंने बिना आपसे पूछे गठबंधन तोड़ दिया। आपको लगता है चुनाव में कोई नुकसान होगा इस चीज़ से? चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों को आपस में विजय भी होता है, संगठन बनते हैं, संगठन टूट जाते हैं। समान विचारधारा के लोग, आवाज नहीं आ रही यार, मन लग रही है स्वागत। बच्चे कहने से बाहर हो गए हैं, समझाने की प्रयास किया जी? हमारी पार्टी बच्चों की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी झूठलाल जी को लगाया वो बात है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी में शामिल हम सभी का प्रश्न कर ये आरोप लगाया था कि पिछले चुनाव में टिकटें बेची गई थी अजय जी ने, उसको लेकर आपकी क्या? अभी चौटाला के पास कोई सबूत होंगे आपकी जानकारी में? चौटाला साहब के उपचुनाव में पहुंच नहीं पाए, मुझे जाने नहीं दिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई उसके मुताबिक बे इंतियार पैसा खर्च किया हमें ठीक है। JGP ने भी वोट खरीदे, सत्ता पक्ष के लोगों ने बे इंतियार पैसा, JGP ने भी वोट खरीदे। चौटाला साहब, BJP के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, अकाली दल के साथ, अकाली दल के थ्रू होगा ये बात हो चुकी है? चौटाला साहब, एक एक अलग अलग तो सारी पार्टियां मोदी को पूछ रही है इकट्ठी होकर, आपने एक शब्द भी नहीं बोला क्या? कोई संभावना है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोला कोई डेमोक्रेटिक तरीके से शासन की जो बात मैंने की है, क्या उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मोदी ने? क्या कोई कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश हो रही है? फिर वही बात कर रहे हैं, आपकी से बात संगठनात्मक दृष्टि से आज सत्ता जो है, उस सत्ता की दुर्भावनाओं का जो मैंने जिक्र किया, क्या इस दुर्भावनाओं का सबसे बड़ा धर्मधार जो है वो मोदी जी ने? इकट्ठे किए थे क्या वो नेतृत्व अब आप करेंगे इस तरह का जो देवीलाल जी ने किया? आप यहाँ सभा में मैंने विस्तार से बताया तो उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया जो था, और आप भी फिर पर बोलने भी नहीं, जो भी देवीलाल ने और नीतीश सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया और सरकार चली गई राजीव गांधी की, आज राफेल बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी तो बताया सर, नहीं राफेल के बारे में तो एक विशेष मुद्दे पर मैंने चर्चा नहीं की, सरकार के कार्यकलापों का मैंने जिक्र किया। तो सर, अभी आपने कहा कि सेंटर में भी आप दखल आपका रहेगा आगे जाकर, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के खिलाफ जो विरोधी दल हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं एक मंच पे, उस मंच पर भी इनेलो को या इनेलो के नेताओं को जगह नहीं मिल पा रही है, आपको बुलाया नहीं जा रहा है या क्या वजह है? बुलाया तो जरूर होगा लेकिन जाए को तो जेल में। नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें तो संगठनात्मक दृष्टि से इनेलो राजस्थान में भी लड़ती रही है चुनाव, विशेष रूप से पार्टी के सर्वे सर्वा तो नहीं मुझे बुलाते, मैं कैसे जा? आपके पास कोई सूचना नहीं?
है सूचना तो भी कैसे जाऊँ। चुनाव साहब इनेलो राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में भी लड़ती रही है, क्या इस बार भी इस तरह की कहीं और हरियाणा के अलावा चुनाव लड़ा जाएगा? समूचे राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की हित चिंता मैंने बहुत विस्तार से बात की। क्या इलेक्टोरल कोई आपकी भूमिका भी रहेगी चुनाव लड़ने की, डायरेक्ट आपके कैंडिडेट की? आप तो कोई बात नहीं कर रही, बात तो मैंने कॉल पे सारी कर दी है। अब आप तो उल्टे तरीके से मेरा काम पकड़वाना चाहते हैं, संभव नहीं होगा। ठीक है सर, जी होगी बात, फिर ठीक है जी, फिर सही।